हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। आज हम आपके लिए लेके आए प्रश्नावली एक का यप। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपसे संबंधित मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं प्रश्नावली एक का एफ का पहला सवाल। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। इसमें बोला है अति लघु उत्तरी प्रश्न, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। ठीक दोस्तों, इसमें समरूप पद यानी समान रूप में बनाना है और उनको या तो जोड़ते हुए या और घटाते हुए, या तो घटाते हुए हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका पहला सवाल देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, दो रूट में आठ प्लस पाँच रूट में बत्तीस। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें क्या बनाना है, पहले समरूप पद में बनाना है। समरूप पद में बनाने के बाद इसको हमें जोड़ते हुए या तो घटाते हुए हल करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हल करेंगे। सबसे पहला देखा जाए दो, हम रूट को समरूप बनाएंगे यानी हम रूट को पहले गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो दो रूट में आठ है, तो आठ का गुणनखंड क्या होता है, आठ का दो गुणते दो गुणते दो। ठीक है दोस्तों, और प्लस पाँच ऐसा ही रहेगा, और जो कड़ी के अंदर बत्तीस है, बत्तीस का गुणनखंड में कर तोड़ दीजिए गुणनखंड में। तो दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो। ठीक दोस्तों, देखिए दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूना बत्तीस। ठीक दोस्तों, अब क्या करते हैं, कोई भी संख्या अगर कड़ी के अंदर है तो जोड़ा बनेगा तो बाहर हो जाता है। जैसे देखिए, ये दो पहले से है, इसको ऐसे रहने दीजिए गुणते। इसमें देखिए दो का जोड़ा मिल रहा है, दो बार मिल रहा है ना, तो बाहर हो जाएगा दो। अब कितना कड़ी के अंदर बचेगा, एक दो, ये अकेला एक दो बचा ना, तो इसको लिख लीजिए कड़ी के अंदर दो जो बचा उसको लिख लीजिए। प्लस अब यहाँ कितना है, पाँच, तो पाँच लिख लिए। उसके बाद कड़ी के अंदर देखिए जोड़ा किसका बना है, ये दो का, तो बाहर निकल जाएगा ये दो, बाहर निकल जाएगा जोड़ा जिसका बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा सिर्फ एक बार, दो बार जोड़ा बनेगा इसका। देखिए दो दो मिल रहा है, तो एक बार बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब करणी के अंदर कितना बचेगा, ये दो लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो दो दूनी चार, करणी के अंदर दो, प्लस पाँच दूनी दस, दूनी बीस, करणी के अंदर दो। ठीक है देखो दोस्तों, अब देखिए समरूप पदों बोला था पहले समरूप पदों बदलना है, तो देखिए यहाँ कर्णी के अंदर दो ये भी हो गया, कर्णी के अंदर दो भी ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, जब समरूप पद में आपका सवाल बन जाएगा तो उसको आप जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए, जोड़ का चिन्ह है इसमें, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बीस और चार कितना हो जाएगा, चौबीस, और रूट में कितना है, दो। ठीक दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इस चैनल पर आपका पूरा सिलेबस मिलेगा दोस्तों, पूरा कोर्स कराया जाएगा इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो दिया है, सात करड़ी के अंदर तीन प्लस दो करणी के अंदर सत्ताईस। ठीक दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, समरूप पदों में पहले चेंज करना है। समरूप पदों में चेंज करने के बाद तब इसको या तो जोड़ के हल करना है या तो घटा के हल करना है। अब क्या होगा आगे देखते हैं, हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए हल। ठीक दोस्तों, हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, सात करड़ी के अंदर तीन, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। प्लस अब क्या करेंगे, दो करड़ी के अंदर सत्ताईस को गुणनखंड में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर सत्ताईस का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, तीन गुणते तीन गुणते तीन, तीन त्रिक का नौ और नौ त्रिक सत्ताईस। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड इसका बन जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, सात करड़ी के अंदर तीन और प्लस दो पहले से, दो ऐसे लिख लीजिए। ठीक, गुणा लगाइए, अंदर किसका जोड़ा बन रहा है, देखिए तीन तीन का जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो तीन इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, अंदर कितना बचेगा, ये एक अकेला तीन बच जाएगा। तो करड़ी के अंदर क्या बचेगा दोस्तों, तीन। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए सात करड़ी के अंदर तीन है ना, तो सात करड़ी के अंदर तीन को ऐसे रहने दीजिए। अब
सात करोड़ के अंदर तीन प्लस। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। अब दो तिहाई छः, तो कितना हो जाएगा, दो तिहाई छः करोड़ के अंदर तीन, ठीक दोस्तों। अब क्या करनी है आपको, इसमें भी करोड़ के अंदर तीन हो गया, इसमें भी करोड़ के अंदर तीन हो गया, तो समरूप पदों में हो गया, तब इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सात छः तेरह और बगल करोड़ के अंदर तीन, सभी में था तो लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन है आपका, नौ करोड़ के अंदर पाँच माइनस तीन करोड़ के अंदर पाँच, ठीक। इसको आपको बताहल करके बतानी है, तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें कोई गुणनखंड करने लायक नहीं है, पाँच अकेला है, पाँच का गुणनखंड करेंगे तो वही रहेगा, इसमें भी पाँच कांडी के अंदर पाँच, इसमें भी है पाँच, इसमें भी है, तो पहले से ही समरूप दिख रहा है, ठीक दोस्तों। जो समरूप में दिखेगा तो उसका गुणनखंड नहीं करनी है, तो सबसे पहले इसको आप लिख दीजिए हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करनी है, इसमें देखिए नौ में से तीन घट जाए, क्योंकि डायरेक्ट इसमें देखिए यहाँ कर्णी के अंदर पाँच है, यहाँ भी कर्णी के अंदर पाँच है, जब ऐसे मिलते रहेंगे समरूप पद में रहेंगे तो आपको सिर्फ घटा देनी है, घटाएंगे तो नौ में से तीन का कितना हो जाएगा छः, और कर्णी के अंदर कितना हो जाएगा दोस्तों पाँच, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार, ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार है आपका, कर्णी के अंदर चौबीस, करड़ी के अंदर 24 प्लस करड़ी के अंदर 54 माइनस करड़ी के अंदर 96, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमें समरूप पदों में पहले चेंज करना होगा, जितने भी करड़ी दिए गए करड़ी को पहले समरूप पदों में चेंज करिए। तो समरूप पदों में चेंज कैसे होगा, सबसे पहले इसका आप क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लिखिए पहले यहाँ पे हल, हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, करड़ी के अंदर 24 दिया है तो अगर कर्णी के अंदर 24 गुणनखंड करेंगे तो निकालिए कर्णी के अंदर 24 गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24, 24 अगर हम गुणनखंड करें यदि तो कितना आएगा, दो गुणते दो दूनी चार दूनी आठ त्रि 24, ठीक दोस्तों। तो यहाँ कितना हो जाएगा, दो गुणते दो गुणते दो गुणते तीन, अब प्लस कर्णी के अंदर 54 है, 54 का भी गुणनखंड करिए, 54 क्या हो जाएगा 27 दूना 54, तो दो गुणते 27 क्या हो जाएगा, तीन गुणते तीन गुणते तीन, तीन त्रिक्का नौ त्रिक 27 दूना 54, ठीक है दोस्तों। गुणनखंड आपको निकालना तो आता ही होगा, ठीक है, माइनस करड़ी के अंदर 96, अब 96 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, चलिए 32, 32 तीन या 96, यानी 32 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, पाँच दो बार पाँच, देखिए दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो गुणते तीन, ठीक है दोस्तों। देखिए दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूना 32 तीनियाँ 96, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, समरूप पदों में बनाना है, तो समरूप पदों में क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो मिलेगा उसको हम कॉमन कर लेंगे, तो देखिए इसमें दो दो मिल रहा है तो दो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, अब बचेगा करणी के अंदर दो तिहाई छः, जो बचेगा उसका करणी में गुणा कर दीजिए, ठीक है, करणी के अंदर प्लस, अब देखिए इसमें क्या मिल रहा है, तीन तीन मिल रहा है तो तीन को बाहर कर लेंगे, जो मिलेगा उसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे, दो और तीन बचा दो तिहाई छः हो जाएगा, ठीक है, माइनस करड़ी के अंदर सॉरी अभी इसमें जो मिलेगा पहले बाहर कर लीजिए, इसको जो मिल रहा है इसमें तो दो दो मिल रहा है दो बाहर हो जाएगा, फिर दो दो मिल रहा है दो बाहर हो जाएगा, अब करड़ी के अंदर जो बचेगा उसको लिख लेंगे, दो और तीन बचा दो तिहाई कितना हो गया छः, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दो करड़ी के अंदर छः को ऐसे रहने दीजिए प्लस तीन करड़ी के अंदर छः को ऐसे रहने दीजिए और दो दूनी कितना हो जाएगा चार करड़ी के अंदर छः। अब देखिए दोस्तों ये समरूप पदों में चेंज हो गया, यहाँ देखिए करड़ी के अंदर छः अभी है, यहाँ भी करड़ी के अंदर छः है, यहाँ भी करड़ी के अंदर छः, तो समरूप हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ देंगे, तीन दो पाँच करड़ी के अंदर क्या हो जाएगा छः माइनस चार करड़ी के अंदर छः, ठीक है। अब देखिए पाँच में से चार घट जाएगा, करड़ी के अंदर कितना हो जाएगा दोस्तों छः, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच है दोस्तों, दो करड़ी के अंदर तीन तथा
पांच कर्णे के अंदर तीन का योग बताना है आपको, ठीक है दोस्तों, सिंपल सवाल है आपका। इसका क्या बताना है, दो कर्णे के अंदर तीन तथा पांच कर्णे के अंदर तीन का योग। तो सबसे पहले क्या करनी है आपको, योग निकालने के लिए, यानी योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो सबसे पहले लिखिए हल यहां पे, तो दो कर्णी के अंदर कितना है, तीन प्लस, अब इसको क्या कर देंगे, पांच कर्णी के अंदर तीन, अब इसको जोड़ दिए। देखिए कर्णी के अंदर तीन इसमें भी है, कर्णी के अंदर तीन इसमें भी है, तो समरूप पद पहले से दिख रहा है, तो सिर्फ इसको क्या करनी है आपको, जोड़ देनी। तो पांच दो कितना हो जाएगा, सात, कर्णी के अंदर तीन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर छः। अब क्वेश्चन नंबर छः है दोस्तों, पांच और पांच के मूल में पांच प्लस दो पांच के मूल में पांच, ठीक है दोस्तों। इस तरीके का आपका क्वेश्चन है। पहले इसको देखो समरूप पदों में चेंज करना है, तो समरूप पदों में पहले से दिख रहा है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। कर्णी सबसे पहले हमारा ध्यान होता है, जब इस तरीके का सवाल आए तो सबसे पहले हम कर्णी पर ध्यान देंगे। तो यहां देखिए कर्णी में पांच है, यहां भी कर्णी में पांच है, लेकिन कितने का मूल है, पांच का मूल है, ठीक है, पांच मूल में पांच, पांच मूल में पांच, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब उसको जोड़ देंगे। तो इसको लिखिए यहां पर हल, अब इसको हम अगर हम इसको जोड़ेंगे तो पांच दो कितना हो जाएगा, सात, और पांच के मूल में पांच, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सात है, पांच का तीन में मूल दो माइनस तीन कर्णी के अंदर, तीन के मूल में कर्णी के अंदर कितना है, सोलह है, ठीक है दोस्तों, ये तीन का मूल है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, इसमें ये तो तीन के मूल में दो ही है, है, अब इसको भी आप बना लीजिए। तो पहले यहां पे लिखिए आप हल, हल करिए, पांच तीन के मूल में कितना है, दो माइनस, अब इसको तीन के मूल में सोलह, सोलह का गुणनखंड करिए, तो सोलह का यदि गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, दो गुणते दो गुणते दो गुणते दो, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, ठीक है। अब यहां देखिए कितने का मूल है, तीन का मूल, यानी जो तीन बार मिलेगा वही बाहर होगा, तो तीन बार का क्या मिल रहा है, दो, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां कितना है, पांच तीन के मूल में दो माइनस, यहां से दो बाहर हो जाएगा, तो तीन के मूल में कितना बचेगा, दो। अब देखिए हमें हमारा समरूप पद में बदल गया, यहां तीन के मूल में दो है, यानी तीन, हाँ तीन का मूल में कितना है, दो, और यहाँ भी तीन के मूल में कितना है दोस्तों, दो। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ आगे उसके अंक देखेंगे, अब तो समान समरूप बन गया। तो सबसे पहले पांच में से दो घटाएं, कितना बचेगा, तीन, और तीन के मूल में दो, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ, ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है, कर्णी के अंदर 50 प्लस कर्णी के अंदर 72, तो लिखिए कर्णी के अंदर 50 और प्लस कर्णी के अंदर 72, ठीक है दोस्तों। अब इसको पहले हम समरूप पदों में चेंज करेंगे, तब इसको हम हल करेंगे, ठीक दोस्तों। तो चलिए हल कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, लिखिए हल, हल, अब क्या करेंगे, पहले कर्णी के अंदर 50, पहले कर्णी के अंदर 50 हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसको कर्णी के अंदर 50 गुणनखंड करिए, 50 गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, दो गुणते पाँच गुणते पाँच, दो पंचे दस पचे 50, प्लस कर्णी के अंदर 72 का भी कर लीजिए दोस्तों, देखिए दो से काटेंगे, दो गुणते, इसको हम काटते चले जाएंगे, फिर काटेंगे दो से, आठ नौ 72 होता है, तो आठ का पहले गुणनखंड करेंगे कितना, दो गुणते दो, दो दूनी चार दूनी आठ, अब नवा 72 होता है, तो नौ का क्या हो जाएगा, तीन गुणते तीन, ठीक है दोस्तों। जैसे क्या होता है 72 आता है, 72 क्या होता है, आठ नवा 72, तो आठ गुणनखंड करेंगे, दो गुणते दो आएगा, और नौ करेंगे तीन गुणते तीन आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख दिए, अब क्या करेंगे, समरूप पदों में चेंज करेंगे। समरूप पदों में चेंज कैसे होगा, जो कर्णी के अंदर जिसका रिपीटिंग होगा, जो मिलेगा, जिसका जोड़ा बनेगा, उसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, इसमें पाँच पाँच क्या हो रहा है, मिल रहा है,
तो 5 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे और बचेगा कर्णी के अंदर कितना, 2 प्लस यहाँ भी देखिए यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, बाहर कर लेंगे और 3 3 मिल रहा है, इसको भी हम क्या कर लेंगे तो बाहर करेंगे, 2 को बाहर करेंगे 2 आएगा, 3 को बाहर करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। और कर्णी के अंदर कितना बच जाएगा दोस्तों, ये अकेला 2 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 5 कर्णी के अंदर 2 ऐसे रहने दीजिए, अब 2 3 आई 6, 6 कर्णी के अंदर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों समरूप पदों में चेंज हो गया, यहाँ भी कर्णी के अंदर 2 है, यहाँ भी कर्णी के अंदर 2 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ का चिन्ह जोड़ लेंगे, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 कर्णी के अंदर 2, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 3 के मूल में 2 प्लस 3 के मूल में 16 माइनस 3 के मूल में 54, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले आपको क्या करनी है, इसको समरूप पदों में चेंज करें, जब भी ऐसा कहीं आपको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला आपका काम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको समरूप पदों में चेंज कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो समरूप पदों में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चलिए हम हल करते हैं, बताते हैं कैसे होगा। यहाँ आप लिखिए क्या, हल, हल लिखने के बाद 3 कर्णी के अंदर 2 ऐसे ही रहेगा प्लस 3 के मूल में कितना, ये मूल में है 16, क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 माइनस 3 के मूल में 54 लिख दीजिए, तो 54 कितने होता, 27 दुना 54, तो 2 गुणते 27 क्या हो जाएगा 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 3 91 27 दुना 54, ठीक है दोस्तों। अब जब 3 के मूल में होता है, जो 3 बार मिलेगा वही बाहर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 कर्णी के अंदर 2 है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए प्लस, यहाँ कितने का मूल है 3 का, तो जो 3 बार मिलेगा वही बाहर होगा, तो देखिए 2 कितनी 3 बार मिलना है, तो 2 को हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, और 3 के मूल में कितना बच जाएगा 2, जो बाहर नहीं निकलेगा उसको हम मूल में लिख देंगे, ठीक है। माइनस अब यहाँ देखिए 3 के मूल, यानी 3 का मूल यहाँ भी दिया है, तो जो 3 बार मिलेगा वही बाहर होगा, तो इसमें देखिए 3 3 3 कितनी बार मिल रहा है 3 बार, तो हम 3 को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, और 3 के मूल में कितना बच जाएगा दोस्तों 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए सभी 3 के मूल में 2, 3 के मूल में 2, 3 के मूल में 2 हो गए, समरूप पद में हो गए, तब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे या तो घटा देंगे, जो भी होगा कर लेंगे। तो पहले देखिए ये 3 के मूल में 2 है, 3 के मूल में 2 है, लेकिन इसके पहले 2 है, इसके पहले कितना है 1, तो इसको जोड़ लें 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 के मूल में 2 और माइनस 3, 3 के मूल में 2, तो 3 3 के मूल में 2, 3 3 के मूल में 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्योंकि सेम है, बीच में किसका चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है, तो घट के कितना आ जाएंगे दोस्तों 0, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इसमें दिया है कर्णी में 27, कर्णी के अंदर 27 माइनस 9 बटे कर्णी के अंदर 3 माइनस 4 कर्णी के अंदर 1/9 प्लस 6 कर्णी के अंदर 1/27, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले आपको इसको क्या करना है, समरूप पदों में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हल करते हैं, चलिए हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, समरूप पदों में चेंज करना होता है, इस तरीके को सवाल को पहले समरूप पदों में बोला चेंज करने के लिए, तो समरूप पदों में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, कर्णी के अंदर 27 दिया, ठीक है, तो कर्णी के अंदर 27 हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड पहले 27 करेंगे, तो क्या आएगा 3 गुणते 3 गुणते 3 माइनस 9/ कर्णी के अंदर कितना है 3, तो 9/ कर्णी के अंदर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणते 3 बटे कर्णी के अंदर 3, ठीक है दोस्तों। और माइनस अब क्या हो जाएगा 4 है, और कर्णी में कितना दिख रहा है यहाँ पे 4 ऐसे लिखिए, और कर्णी में दिख रहा है 1/9, 1 को ऐसे रहने दीजिए, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणते 3, ठीक है दोस्तों। प्लस यहाँ दिख रहा है 6 कर्णी के अंदर 1/7
सताईस, सताईस का लिख सकते हैं तीन गुणते तीन गुणते तीन। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहला इसमें आपका काम क्या होगा, इसमें देखिए क्या मिल रहा है, दो का जोड़ा मिल रहा है ना, तो बार कर्णी के अंदर अगर जिसका दो बार मिल जाएगा उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे तीन तीन मिल रहा है, तीन को हम क्या कर लेंगे बाहर, और कर्णी के अंदर कितना बचेगा तीन माइनस। अब यहाँ पे देखिए कुछ होगा यहाँ पे नहीं ना, तो सबसे पहले यहाँ तीन दिया ना, तब तीन को क्या लिख सकते हैं कर्णी के अंदर तीन गुणते कर्णी के अंदर तीन, और बगल में कितना बचेगा तीन। अगर देखिए कर्णी के अंदर तीन में कर्णी के अंदर तीन में गुणा करेंगे तो फिर तीन आ जाएगा, कर्णी से कर्णी हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बट्टे कितना है कर्णी के अंदर तीन माइनस चार कर्णी के अंदर एक बटे। अब देखिए यहाँ पे जो चार बार मिलेगा, चार के मूल में दिया है, यहाँ पे जो चार बार मिलेगा वही बार होगा, तो ये दो बार है। अगर हम कर्णी तीन को क्या लिख दें कर्णी के अंदर तीन गुणते कर्णी के अंदर तीन, ठीक है, फिर गुणते इस तीन को भी लिख दें कर्णी के अंदर तीन गुणते कर्णी के अंदर तीन। अब देखिए कर्णी के अंदर तीन से कर्णी के अंदर तीन में गुणा करेंगे तो कर्णी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना तीन, फिर वही आ जाएगा। कर्णी के अंदर तीन से कर्णी के अंदर तीन में गुणा करेंगे तो कर्णी हट जाएगा, बचेगा कितना तीन, फिर तीन आ जाएगा। नहीं दोस्तों, तो हम तीन को क्या लिख सकते हैं कर्णी के अंदर तीन गुणते कर्णी के अंदर तीन, क्योंकि यहाँ पे कितना बार दिया है चार बार दिया है, चार के मूल में दिया है तो चार बार हमारा यहाँ बनना चाहिए, तभी बाहर आएगा कर्णी के अंदर। ठीक है, कर्णी तभी बाहर आएगा, अन्यथा बाहर नहीं आ पाएगा। प्लस छः के मूल में, अब इसको भी छः बार बनाइए तो ऊपर एक रहेगा, नीचे कर्णी के अंदर तीन को क्या लिख सकते हैं, ये तीन है ना, तो तीन को क्या लिख सकते हैं कर्णी के अंदर तीन गुणते कर्णी के अंदर तीन। फिर अगला गुणा में तीन को क्या लिख सकते हैं कर्णी के अंदर तीन गुणते कर्णी के अंदर तीन। फिर इसको क्या लिख सकते हैं अगले तीन को कर्णी के अंदर तीन गुणते कर्णी के अंदर तीन। ठीक है दोस्तों, समझा? तो चलिए देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, सबसे पहले जो मिलेगा उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ तीन कर्णी के अंदर तीन ऐसे रहने देंगे, यहाँ कर्णी के अंदर तीन से कर्णी के अंदर तीन क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या तीन कर्णी के अंदर तीन माइनस तीन कर्णी के अंदर तीन हो जाएगा माइनस। अब देखिए एक का कोई वैल्यू, मतलब एक चाहे जितनी बार रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, एक का चाहे जितना बार गुणा करेंगे एक ही आएगा, तो इसलिए एक हमारा क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और ये बाहर कितना निकलेगा कर्णी के अंदर तीन। चार बार मिल रहा है ना, यहाँ चार बार दिया था, यहाँ नीचे चार बार कर्णी के अंदर तीन मिल रहा है, तो इसलिए कर्णी के अंदर तीन बाहर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, प्लस एक ऐसे ही रहेगा, एक बाहर निकालेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन ये देखिए छः बार है तो यहाँ छः बार देखिए दो दो चार दो छः, छः बार मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है कर्णी के अंदर तीन, तो कर्णी के अंदर तीन बाहर निकल आएगा। तो देखिए तीन कर्णी के अंदर तीन यहाँ पे है प्लस में, और तीन कर्णी के अंदर तीन यहाँ माइनस में है, तो क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। अब देखिए एक बटा कर्णी के अंदर तीन यहाँ भी है, एक बटा कर्णी के अंदर तीन यहाँ भी, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, तो कट के अंतिम में क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 दिया है दोस्तों, तीन कर्णी के अंदर 147, तीन कर्णी के अंदर 147 माइनस सात बटे तीन कर्णी के अंदर एक बटे तीन, और प्लस सात कर्णी के अंदर एक बटे तीन। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब आपको इसमें क्या करनी है, सरल रूप में पहले इसको सरलता रूप में व्यक्त करके तब इसको हल करना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, पहले सरलता रूप में इसको आप व्यक्त कीजिए, हल यहाँ लिखिए हल, अब हल करिए। ठीक है दोस्तों, तो तीन रूट में 147 है, 147 का अगर हम गुणनखंड करेंगे कितना आएगा दोस्तों तीन गुणते सात गुणते सात, तीन सत्ते इक्कीस, सात सत्ते उनचास, तीन यहाँ 147। ठीक दोस्तों, अब माइनस क्या है सात बटे तीन ऐसे ही रहेगा, अगर इसको हम कर्णी एक को कर्णी से बाहर निकालेंगे कितना आएगा एक, और कर्णी के अंदर तीन को हम बाहर निकालेंगे तो कर्णी के अंदर तीन ही रहेगा, तीन नहीं निकल पाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस सात क्योंकि एक निकालेंगे तो यही रहेगा यानी सात आ जाएगा, और नीचे कर्णी के अंदर तीन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा कर्णी के अंदर तीन। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें देखिए क्या मिल रहा है सात मिल रहा है, तो सात मिल रहा है तो हम सात को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो सात को बाहर करेंगे तो इसके बगल कितना है तीन, तो तीन सात त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बचेगा कर्णी के अंदर कितना दोस्तों तीन। ठीक है दोस्तों, ये 21 कैसे आया समझ में, यहाँ से कितना निकला
सात सात, सात निकला, सात का जोड़ा बन रहा था, जो सात निकलेगा बाहर आएगा तो यहाँ तीन पहले, तो सात त्रिक कितना हो जाएगा 21, और करणी के अंदर कितना हो जाएगा 3, जो बचा वही लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, यहाँ कितना बचा -7/, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 करणी के अंदर 3, और +7/ करणी के अंदर 3। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है आपको, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इसके बटे में क्या मान लेंगे हम, एक मान लेंगे। अब एक मान लेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जो सबसे बड़ा रहता है वही एलसीएम होता है, तो कितना बड़ा है सब 3 करणी के अंदर 3। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा, एक से काटेंगे तो वही आएगा, 3 करणी के अंदर 3 आएगा, 3 करणी के अंदर 3 आएगा जब, तो इसका वहाँ पे क्या होता है, गुणा होता है। 3 का एक किस में गुणा होगा, 21 में, तो 3 का जब 21 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 63, 3 इक्का 3 और 3 दूनी 6, और करणी के अंदर 3 में, जब करणी के अंदर 3 में गुणा होगा तो करणी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3। समझ आया दोस्तों, देखिए 3 का गुणा किस में होगा, 21 में होगा, तो 21 या 63 हो गया, अब करणी से करणी में जब गुणा होगा तो करणी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 3 माइनस। अब देखिए 3 करणी के अंदर 3 से 3 करणी के अंदर 3 में जब भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 7 प्लस, अब करणी के अंदर 3 से जब 3 करणी के अंदर 3 में भाग देंगे तो करणी के अंदर 3 से करणी के अंदर 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 3, और 3 से कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया, तो चलिए आगे हल कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे 3 त्रिक्का 9 और 3 छंग 18, 179 माइनस कितना है 7 है, और यहाँ कितना है 21, तो 21 में से 7 को क्या करेंगे घटा देंगे, 21 में से 7 घटाएं कितना हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, कितना हो जाएगा 14, और यहाँ बड़े वाले अंक के साथ प्लस है, इसलिए यहाँ बीच में क्या लग जाएगा प्लस, और नीचे कितना बचेगा 3 करणी के अंदर 3। ठीक दोस्तों, समझा, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या करनी है आपको, 179 में 14 जोड़ देंगे तो 9 4 13 कहियाँ 3, हासिल कितना हो गया 1, अब 8 1 9 और 9 1 10, 10 कहियाँ 0, हासिल लगा 1, 1 पहले से तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, और नीचे कितना है 3 करणी के अंदर 3। ठीक है, आप चाहे तो आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका क्या कर दीजिए आप, हर का प्रमेयीकरण, करणी के अंदर 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए और करणी के अंदर 3 से नीचे गुणा कर देंगे। जब नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, उसके ऊपर गुणा करेंगे 203 का करणी के अंदर 3 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, और यहाँ करणी के अंदर 3 से करणी के अंदर 3 करेंगे तो कितना बचेगा सिर्फ 3 बचेगा, करणी हट जाएगा। ठीक है, ये 3 ऐसे लिख लेंगे, करणी के अंदर 3 से करणी के अंदर जब 3 में गुणा होगा तो करणी हट जाएगा, बचेगा कितना 3। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, ऊपर लिख लेना है 203 करणी के अंदर 3/3 त्रिक्का 9, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 12 में दिया है 5 करणी के अंदर 3 +2 करणी के अंदर 27 और -1/ करणी के अंदर 3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का सवाल जब भी आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, हल लिख लेना है। ठीक है, तो अब लिखिए आप क्या, हल, यहाँ पे लिखिए आप हल। हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप समरूप पदों में तोड़िए, तो समरूप पदों में तोड़ने के लिए हम आपको बता दें कि क्या करना होगा। यहाँ देखिए 5 करणी के अंदर 3 है, ऐसे रहने दीजिए, +2 करणी के अंदर 27 है, 27 का पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो क्या आएगा 3/3 और -1/ करणी के अंदर 3। समझ आया दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, इसमें से कॉमन ले लेना है जो मिलेगा, तो 5 करणी के अंदर 3, अब इसमें देखिए 3 मिला तो 3 को हम क्या कर लेंगे, करणी से बाहर करेंगे, तो 3 बाहर आएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा करणी के अंदर 3। समझ आ रहा है, और माइनस क्या बचेगा दोस्तों, 1/ करणी के अंदर 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, देखिए अब बटे में करणी के अंदर 3 है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, जब करणी के अंदर 3 का गुणा किस में करेंगे, 5 में करणी के अंदर 3 में करेंगे, तो 5 ऐसे ही रहेगा, जब करणी में गुणा होगा तो करणी से करणी हट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 3। ठीक दोस्तों, प्लस अब इसका इसमें करेंगे, 6 करणी के अंदर 3 में गुणा किससे करेंगे, करणी के अंदर 3 से, 3 गुणा करेंगे। ठीक है, तो करणी 6 ऐसे ही रहेगा, करणी के अंदर 3 से करणी के अंदर जब 3 में गुणा होगा तो कितना बचेगा सिर्फ दोस्तों 3, और माइनस ऊपर कितना 1 ऐसे लिखिए, और पूरे 1/ कितना लिख दीजिए, करणी के अंदर 3। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई
15 हो जाएगा, प्लस 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और माइनस 1 को ऐसे लिख दीजिए, नीचे कितना है कर्णी के अंदर 3, तो कर्णी के अंदर 3 को लिख दीजिए। अब आपको क्या करनी है दोस्तों, सबसे पहले आप इसको जोड़ दीजिए, तो कितना है यहाँ पे देखिए 18 में से एक घट जाएगा तो कितना चाहेगा 17, और 17 15 कितना होता है दोस्तों 32, तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 32 और बटे कर्णी के अंदर 3। ठीक दोस्तों, तभी आपका यहाँ पे आंसर नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो इसका हम क्या कर देंगे, हर का प्रमेयकरण, यानी कर्णी के अंदर 3 से गुणा कर देंगे ऊपर, और नीचे भी क्या कर देंगे कर्णी के अंदर 3 से नीचे भी गुणा कर देंगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 32 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 32 का जब ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 32 कर्णी के अंदर 3 हो जाएगा, और कर्णी के अंदर 3 में जब कर्णी के अंदर 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कर्णी हट जाएगी, बचेगा सिर्फ कितना दोस्तों 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, 4 3 के मूल में 40 माइनस 4 3 के मूल में 320 और प्लस 3 3 के मूल में 625। ठीक दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसको पहले आप सरलतम रूप में समरूप पदों में चेंज करिए। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, समरूप पदों में चेंज करेंगे। समरूप पदों में चेंज करने के बाद तब इसको आपको क्या करनी है, हल करनी है। तो सबसे पहले आप इसको समरूप पदों में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए क्या, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, जो कर्णी में दिया रहेगा उसका गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 4 3 के मूल में कितना 40, तो 40 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 2 4 2 8 5 40। ठीक है, माइनस 4, अब कर्णी के अंदर कितना दिया, अब इसको भी मूल में तोड़ दीजिए, 332 को तोड़ देंगे, 32 धाम में कितना होता है, 32 धाम में 320, तो पहले 32 को तोड़िए, तो 32 को 3 के मूल में लिखिए, 32 को क्या लिखेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। अब देखिए 2 2 4 2 8 2 16 2 32, अब 32 धाम में कितना होता है 320, तो धाम में मतलब 10 2 5 10, तो 2 5 क्या कर देंगे 10, इतने गुणा करेंगे 300 कितना आ जाएगा दोस्तों 20। आप गुणनखंड कर लीजिएगा, आपको तो गुणनखंड आता ही होगा दोस्तों आप लोग को। अब क्या करेंगे, 3, अब 3 के मूल में कितना दिया है 625, तो 625 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5। ठीक दोस्तों, देखिए 5 5 25 5 125 5 625। अब आप क्या करिए, इसमें से जो मिल रहा है उसको क्या करें, कॉमन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए कर्णी से। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 4 तो पहले से है, अब कितने का मूल है, 3 का मूल है, तो जो 3 बार मिलेगा उसी को बाहर करेंगे, तो 3 बार क्या मिल रहा है 2, तो 2 को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों बाहर कर लेंगे, तो अब कितना बचेगा 3 के मूल में 5। ठीक है, माइनस यहाँ 4 है, 4 को ऐसा रहने दीजिए, अब क्या मिल रहा है 3 बार, यहाँ पे यहाँ भी 3 का मूल है, तो जो 3 बार मिलेगा उसी को बाहर करेंगे, तो यहाँ क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, तो 2 भी क्या हो जाएगा दोस्तों बाहर हो जाएगा। तो 4 के मूल में क्या यहाँ लिखेंगे क्या, 2 गुणते 1 2 एक बार और 2 मिल रहा है, 2 गुणते 3 के मूल में कितना 5, समझा दोस्तों। अब प्लस कितना है 3, अब कितने का मूल है 3 का, तो जो 3 बार मिलेगा वही बाहर होगा, तो यहाँ देखिए 5 कितनी बार मिल रहा है 3 बार, तो 5 को हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, अब 3 गुणते 3 के मूल में क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। ठीक दोस्तों, अब क्या करनी है आपको, इसका गुणा कर देना है, तो 4 2 8 3 के मूल में 5। ठीक दोस्तों, माइनस अब 4 2 8 2 16 और 3 के मूल में 5, प्लस अब 3 5 15 3 के मूल में 5, इतना समझ आया दोस्तों। इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, जोड़ घटा देनी है, जहाँ जोड़ का चिन्ह है जोड़ दीजिए, नहीं तो घटा दीजिए। अब देखिए पहले सबसे पहले देखा जाए तो पहले हम ऐड करेंगे, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, तो 23 3 के मूल में 5, माइनस कितना चाहिएगा 16 3 के मूल में 5, समझा दोस्तों। अब इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 के मूल में 5 यहाँ भी, 3 के मूल में 5 यहाँ भी है,
तो घटा देंगे 23 में से 16 घटा देंगे, ठीक है दोस्तों, तो कितना बचेगा 7 3 के मूल में 5, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, दिया है 60 कड़ी के अंदर 1/6 प्लस 3 कड़ी के अंदर 54 माइनस 12 कड़ी के अंदर 1/24, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसको किसमें चेंज करेंगे, समरूप पदों में। हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि इसको हम समरूप में चेंज कर दें। तो समरूप में चेंज करने के लिए क्या रूल है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल, हल लिखिए। हल लिखने के बाद आपको क्या करनी है, 60 दिया है, कितना दिया है 60। अगर हम कर्णी को एक से बाहर एक निकालेंगे बाहर, तो एक ही निकलेगा, यानी कितना आ जाएगा ऊपर 60 आ जाएगा, और नीचे अगर कर्णी के अंदर 6 को निकालेंगे तो 6 नहीं निकलेगा, कर्णी के अंदर ही रह जाएगा कितना 6 प्लस 3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 और 54 का क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करें कितना है, 27 दूना 54, तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 27 से क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, तो 2 × 2 = 6 + 18 = 54 माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो 12 ही आएगा, और नीचे 24 का क्या कर देंगे हम, गुणनखंड कर देंगे दोस्तों। तो गुणनखंड करेंगे तो 24 कितना बचेगा, रूट में 24 बचेगा, तो 24 का क्या कर देना, गुणनखंड कर देना। तो 24 गुणनखंड करेंगे यदि हम, तो कितना आएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 ना, 2 × 8 = 24, ठीक दोस्तों। अब आपको क्या करनी है, 60, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 दाम में 60 ना, तो लिख दीजिए 6 × 10 और नीचे कर्णी के अंदर 6, क्योंकि नीचे 6 था इसलिए हम 6 के रूप में बदल दिए प्लस। अब कर्णी के अंदर देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, किसका बन रहा है, 3 का, तो 3 बाहर निकलेगा और 3 पहले से है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, और 2 × 3 कितना हो जाएगा कर्णी के अंदर 6, समझा दोस्तों। यहाँ देखिए 3 3 मिल रहा है, तो 3 को हम बाहर करेंगे, तो यहाँ 3 पहले से है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, और बचा 2 और 3, तो 2 × 3 कितना होगा कर्णी के अंदर 6 माइनस 12/, इसमें क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, तो 2 बाहर हो जाएगा और बचेगा कितना कर्णी के अंदर 6, 2 × 3 = 6। अब आपको क्या करनी है, देखिए 6 × 10 कितना है, 10, तो 6 × 6 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे कर्णी के अंदर 6, तो 6 को काटने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण 6 को हम लिख सकते हैं कर्णी के अंदर 6 × कर्णी के अंदर 6, फिर कर्णी से कर्णी में गुणा करेंगे तो बचेगा सिर्फ 6 6, वही आ जाएगा, और 10 × क्या, कर्णी के अंदर 6, समझा दोस्तों, प्लस 9 कर्णी के अंदर 6 को ऐसे रहने दीजिए, कट जाएगा, 2 × 6 = 12 आ जाएगा, तो 6 को ऊपर 6 आ गया ना, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कर्णी के अंदर 6 × कर्णी के अंदर 6, और नीचे कर्णी के अंदर 6 तो है ही, ठीक दोस्तों, समझा। हम यहाँ 2 से पहले 12 को काटे हैं, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12, ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे कर्णी के अंदर 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, कर्णी के अंदर 6, कर्णी के अंदर 6 लिख सकते हैं, और नीचे कितना है, कर्णी के अंदर 6, तो देखिए कर्णी के अंदर 6 से कर्णी के अंदर 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 10 × 6, ठीक दोस्तों, और प्लस कितना बचेगा, 9 × 6। अब यहाँ देखिए 1 × 6 से 1 × 6 यहाँ भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, −1 × 6 बचेगा, ठीक दोस्तों, समझ आए इतना। अब आपको क्या करना है, देखिए 10 × 9 कितना हो जाएगा, 19, तो लिख लीजिए 19 × 6 − 6, 19 में से 6 घटा देंगे, तो घटाएं कितना बचेगा दोस्तों, 18 × 6, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, समझा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पहला। तो 15 में पहला दिया है 2 × 2/5 × 2 × 1/5, ठीक दोस्तों, 1/5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपका क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक दोस्तों, तो लिखिए यहाँ पे क्या, हल। हल लिखने के बाद तो 2 × 2/5 + 1/5 क्या करेंगे, 5,
यहाँ आधार जब समान होता है तो हम घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसलिए 2/5 प्लस 1/2 यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2 है, ये 1/2 है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 2 घाते यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे 5 समान है तो 5 ऐसे रहने दीजिए, और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो 3/ कितना हो जाएगा, 5। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, 15वां का दूसरा सवाल। चलिए देखिए दोस्तों, 15 का दूसरा, तो दिया है 1/3 के घाते 5 और पूरे के घाते कितना दिया है, 4, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हल लिखिए। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, घात में घात का गुणा कर देना है। अगर एक का हम घात में 4 लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1/4 ही, तो यानी 1/4 का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1/4 / 3, घात में घात गुणा होगा तो 3 घाते कितना, 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। 1/4 का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 3 घाते 20 ऐसे ही रहेगा। अब हम चाहे 1 के ऊपर, पूरे के ऊपर 20 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी घात लगाएंगे उसका मान 1 ही होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 और पूरे के घाते क्या, 20। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा है वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।